सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। वहीं भगदड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। बता दें कि याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जुलाई को घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करने और अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही के लिए कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 2,05,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं को 2 जुलाई को हाथरस जिले का फुलाई गांव में भोले बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे।